Good morning students. Today we will continue our chapter number 5 of science, that is the fundamental unit of life. So in my last lecture I explained about what is the cell made up of. Ki cell jo hota hai wo kisse milkar bana hota hai. To maine aapko uske andar teen structure ke naam likhe the. To abhi hum jo the last lecture ke andar uske bare mein read kar rahe the, that is plasma aur cell membrane. Last lecture mein maine ye explain kiya tha ki cell membrane kya hota hai. जो सेल की आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो नाउ इसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है। सेल के अंदर आने के लिए कुछ, जैसे बॉडी सेल्स होते हैं उसमें कुछ चीजें जो होती है वो सेल से अंदर जा सकती है और कुछ सेल से बाहर आ सकती है। तो ये जो ट्रांसफर होता है वो किसकी वजह से होता है, कौन से प्रोसेस की वजह से होता है, वो हम उसमें रीड करेंगे। सो नाउ सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वहां से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का जो है ट्रांसफर हो सकता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। तो अब हम डिफाइन करेंगे डिफ्यूजन, बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है डिफ्यूजन का, व्हाट इज डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन रीजन टू लो कंसेंट्रेशन रीजन इज नोन एज डिफ्यूजन। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता दूं ताकि ये डेफिनेशन जो हो आपको इजीली लर्न हो जाए। जैसे कहीं एक जगह पे पानी ज्यादा है तो वो ज्यादा पानी क्या जाएगा, कम की तरफ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे पानी का लेवल होगा वो कम होगा और वो तब तक जाएगा जब दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर ही आ जाए, यानी कि दोनों के पास में इक्वल वाटर भी हो जाए। तो हमेशा जो भी चीजें होती है वो कैसे होती है, हाई कंसेंट्रेशन रीजन से लो कंसेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन को एक्सप्लेन किया गया। इसलिए जब भी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है तो वो सेल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, बॉडी में रिलीज कर देगा जो हमारे नोस्ट्रिल से बाहर आ जाती है, और ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे बॉडी में जाता है तो ये वापस सेल अपने अंदर ले लेता है। तो ये प्रोसेस जो है वो बॉडी में चलता रहता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। नाउ ओस्मोसिस, ओस्मोसिस क्या है। सो ये तो किसकी बात हो रही है, गैसेस के एक्सचेंज की बात हो रही है। डिफ्यूजन मीन्स गैसेस का एक्सचेंज। वैसे ही हमारी बॉडी में जो होता है वाटर का भी एक्सचेंज होता है। सेल जो होता है वो वाटर को भी अब्सॉर्ब करता है और लॉस भी करता है, मतलब सेल अपने अंदर से पानी को निकालता भी है और सोखता भी है। तो उस प्रोसेस को, वाटर के मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, ओस्मोसिस। दिस इज फॉर द लिक्विड मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। तो ये जो वर्ड है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो वर्ड है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मैंने आपको जब ये समझाया था लास्ट लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तब मैंने आपको बताया था लाइक दिस इज द सेल, ये सेल है और सेल के बीच में क्या होता है, दिस इज द न्यूक्लियस। तो ये जो आउटर कवरिंग होगा इसे, इसी को आप क्या बोलते हो, दिस आउटर कवरिंग इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही से क्या होता है, जो लिक्विड होता है इसके अंदर फिल्ड होता है, वो लिक्विड बाहर भी आ सकता है और बाहर से कोई लिक्विड अंदर भी जा सकता है। लेकिन कौन सा लिक्विड बाहर आएगा और कौन सा लिक्विड अंदर जाएगा वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेलेक्ट करता है, इसीलिए मैंने आपको बताया था सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, परमिशन लेकर आना। ये किसी, जो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, दिस सेल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सिलेक्टिवली कंटेन फॉर इन एंड आउट। ये जो हमारा मेम्ब्रेन है वो इन और आउट होने के लिए कुछ ही कंटेंट को सेलेक्ट करता है जो सेल के अंदर आ सकते हैं और कुछ कंटेंट को सेलेक्ट करता है सेल के बाहर जाने के लिए। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सो वाटर जो है वो अगर सेल के अंदर जाता है या बाहर जाता है वो भी मेम्ब्रेन के थ्रू, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज ओस्मोसिस। नाउ अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि कौन सा जो सेल है वो अब्सॉर्ब करेगा, कौन सा नहीं करता है और कौन सा जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा, यानी कि अपने अंदर से वाटर लॉस कर देगा। सो इसके तीन केसेस होते
दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अब हम पढ़ेंगे कि किसके अंदर सेल जो होगा वो स्वेलअप हो जाएगा यानी कि फूल जाएगा, किसके अंदर सेल को साइज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा यानी जैसा है वो वैसा ही रहेगा उस सॉल्यूशन में, और कौन सा ऐसा होगा जिसमें सेल श्रिंक हो जाएगा यानी सिकुड़ जाएगा और अपना पानी जो है वो बाहर डाल देगा सेल से बाहर की तरफ। सो नाउ दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इफ द सराउंडिंग मीडियम ऑफ दिस सेल हैज हायर कंसंट्रेशन देन द सेल, अगर जो सेल का मेम्ब्रेन जो सेल के बाहर का एनवायरमेंट है उसकी कंसंट्रेशन हाई है तो क्या होगा? मैंने अभी आपको क्या बताया था, हाई कंसंट्रेशन से हमेशा कैसा जाएगा लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, इसी को हम क्या कहते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पे सेल के बाहर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है लाइक दिस। सेल के बाहर कैसा है, हाई, और सेल के अंदर कैसा है, लो। तो अब ये मूवमेंट कैसा होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, इसका मतलब आपका सेल अब कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। सो दैट इज द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है वो वाटर को गेन करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड सच द सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन में सेल जो होगा वो स्वेलअप हो जाएगा यानी फूल जाएगा, और इसके हम इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, यानी कि अगर जो हमारे सेल के सराउंडिंग के अंदर जो कंसंट्रेशन है वाटर का वो इक्वली हो सेल के अंदर के, तो क्या होगा, इन दैट कंडीशन देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, दोनों में ही सेल के बाहर भी इक्वल है कंसंट्रेशन वाटर का और सेल के अंदर भी इक्वल है, दोनों साइड में इक्वल है, तो वाटर मूव करेगा क्या, नहीं करेगा, इसीलिए जो सेल होगा इसमें कैसा रहेगा, सेम साइज के अंदर। देन सच सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ द थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इफ अ मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, अगर किसी का कंसंट्रेशन लोअर है, जैसे दिस इज सेल दिस इज न्यूक्लियस, अब यहाँ पे जो अंदर वाटर का कंसंट्रेशन है वो कैसा है, हाई है, और जो मीडियम है हमारा उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है, सेल के आसपास का जो मीडियम है उसमें कंसंट्रेशन है लो। तो ये जो लो हाई से हमेशा कहाँ जाता है, लो की तरफ जाएगा वाटर, तो ये सारा वाटर का आ गया बाहर एनवायरमेंट में आ गया, जब ये बाहर एनवायरमेंट में आ जाएगा तो क्या होगा, सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा यानी सिकुड़ जाएगा, ठीक है। सो इन दिस दैट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आपको अगर इजीली लर्न करना हो तो मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, व्हाट वाज दैट, हाइपो, हाइपो मींस मोटा हो जाना, इसका मतलब सेल जो होगा वो पानी को सोख लेगा, ठीक है, और इसका अपोजिट कैसा हो जाएगा, हाइपर, यानी कि कैसा हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ऐसे याद रखना है, हाइपो मीन्स मोटा, तो आपको पता चल जाएगा उससे। नाउ द अनदर वन इज, अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सेल जो होता है वो बेसिकली तीन कंटेंट से मिलकर बना होता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज सेल वॉल एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस। तो अभी हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में इंट्रोड्यूस कर लिया है और अब डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस हो गया। नाउ आई विल एक्सप्लेन द सेकंड कंटेंट ऑफ सेल, दैट इज सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होता है ये एक एडिशनल प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, तो ये एनिमल में नहीं होता है, जैसे एनिमल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, वायरस, बैक्टीरिया, तो इनमें जो होता है ये इसमें नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल जो होता है वो किसमें होता है, प्लांट सेल में ही होता है, ये याद रखना है। सेल वॉल का एग्जिस्ट करता है ओनली इन द प्लांट सेल, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होगा। सो नाम से पता चल रहा होगा सेल वॉल यानी सेल की बाहर की कवरिंग। सो प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो इससे क्या बोला है कि प्लांट सेल जो होता है एक एडिशन के साथ में, यानी कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा साथ में ही एक आउटर रिजिड कवरिंग होगी जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। इट लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या रहती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ रहता है, मतलब ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा।
ये हमारा क्या था, प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन, और इसके पास में एक और वॉल रहती है प्लांट सेल में, इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। सो इट इज मेड अप ऑफ या कंपोज ऑफ सेल्युलोज। तो ये किससे मिलकर बना होता है, सेल्युलोज से मिलकर बना होता है, जो सिर्फ प्लांट फाइबर होता है, एनिमल के अंदर नहीं होता। सो द सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू द प्लांट। तो प्लांट, अभी मैंने आपको बताया था कि एनिमल सेल के अंदर जो होता है वो सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट के अंदर ही होता है। तो प्लांट के अंदर ये जो एडिशनल सेल वॉल है, ये क्या करता है, प्लांट को स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो ताकि वो जमीन से जो है वो रूट से अटैच रह सके और एक स्टैंडिंग पोजिशन के अंदर रह सके। सो इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू द प्लांट। नाउ देयर इज अ प्रोसेस नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, जैसे हमने डिफ्यूजन एक्सप्लेन किया, ऑस्मोसिस एक्सप्लेन किया, वैसे ही एक प्लाज्मोलाइसिस होता है व्हेन अ लिविंग सेल लॉसेस वाटर। मैंने आपको कहा कि कभी कभार सेल भी क्या होता है कि अपने अंदर से जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, वो बाहर एक्सक्रीट कर देता है बॉडी के अंदर या आउटर एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट करता है, बाहर निकलता है। तो जब सेल जो है वो वाटर को लॉस करता है थ्रू ऑस्मोसिस, देन देयर इज अ सीक्रेट श्रिंकेज, या फिर हम उसको बोलते हैं कंट्रैक्शन, सिकुड़ना ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस सेल अवे फ्रॉम दिस सेल वॉल। तो जो हमारा सेल जो होता है उसके जो भी कंटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे एक जो सेल वॉल होता है उससे अलग हो जाते हैं और बाद में एक बॉल के टाइप में जो है सेल में बैठ जाते हैं। तो इस पर ऐसे बोला है कि व्हेन अ लिविंग सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल। तो अब सारे सेल्स की कंटेंट क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे अवे फ्रॉम द सेल वॉल और सेल वॉल से दूर हो जाते हैं, एंड दैट फिनोमेनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। तो इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। इसका अगर इस तरह से डायग्राम हो सकता है लाइन, दिस इज द सेल, प्लांट सेल है ये, इस टाइप से दिखता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पूरा कवर रहता है आउटर कवरिंग, जब इसमें पानी भरा हुआ होगा तो सारा जो है कि बॉल से अटैच रहता है, और जैसे ही इसके अंदर से जो है वो पानी बाहर आ जाएगा तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो ये ऐसा होता है, यानी कि ये सारा जो कवर है, जो अनकवर्ड एरिया है, जो आपको ये शेडेड पोर्शन नहीं दिख रहा है, ये क्या है, ये सेल वॉल है हमारी बाहर से। तो जब पानी अगर बाहर चला जाता है तो ये जो सारा सेल का कंटेंट है वो कैसा हो जाता है, एक साइड में आ जाता है, सेल वॉल से दूर हो जाता है, इसलिए आपने लिखा है अवे फ्रॉम दी सेल वॉल। नाउ दैट फिनोमेनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, और इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ये क्या होता है, जब पानी सेल का बाहर आ जाता है और सेल कंटेंट जो होता है वो सेल वॉल से दूर हो जाता है। नाउ द थर्ड वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, सो इट हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस होता है सेल का, उसके पास में भी एक लेयर होती है उसकी बॉडी के चारों तरफ, तो उसे हम बोलते हैं कि डबल लेयर होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जब भी वर्ड यूज होता है तो आपको समझ आना है कि ये एक कवरिंग है, दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ दैट बॉडी, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। नाउ व्हिच हैव पोर्स, और कोई भी मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, जनरली पोर्स होते हैं, पोर्स ट्रांसफरिंग ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के बाहर और अंदर आने के लिए, दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। तो यहाँ पे जैसे ये सेल है, ठीक है, अब इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस की कवरिंग हो गई, अब ये न्यूक्लियस की कवरिंग क्या करेगी, ये अलाउ करती है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं विच अलाउ द सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड द मटीरियल टू द आउटसाइड द सेल। तो ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो भी सब्सटेंस है इन पोर्स के थ्रू वो सब्सटेंस क्या आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है, और यहाँ पे जो ये लिक्विड प्रेजेंट होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ये नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड नोन एज साइटोप्लाज्म। सो इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स, और न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम कंटेन करता है। क्रोमोसोम क्या होता है, एक ब्रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल।
कभी भी हम डीएनए टेस्ट कराते हैं, आपको पता होगा अगर किसी का मतलब बेबी है, एक बेबी है और जो दो पेरेंट्स हैं वो अगर बोल रहे हो कि उनका बेबी है, एक पेरेंट बोल रहा हो मेरा है, बी पेरेंट बोल रहा हो मेरा बेबी है, तो हम लोग डीएनए टेस्ट कराते हैं। डीएनए टेस्ट में क्या होता है, उसका डीएनए का बेबी का स्ट्रक्चर देखा जाता है और दोनों पेरेंट्स का स्ट्रक्चर देखा जाता है। तो डीएनए जिससे मैच होता है वो बेबी क्या होता है, उन रियल पेरेंट्स का होता है, वो पेरेंट्स उनके मान लिए जाते हैं। तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में ऐसा होता है जब सेल डिवाइड करती है, मदर का सेल जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसमें सेल डिवाइड होता है। जब सेल डिवाइड होता है तो कुछ जो होते हैं क्रोमोसोम्स वो किससे आएंगे, फादर से, कुछ क्रोमोसोम्स किससे आते हैं, मदर से आते हैं। तो उन दोनों के क्रॉसिंग की वजह से जो बेबी होता है उसमें कुछ जो होंगे वो कैरेक्टर्स किसके होंगे, फादर के, कुछ कैरेक्टर्स किसके होंगे, मदर के। जैसे कई बार छोटा बेबी होता है तो आप लोग घर में जनरली बोलते हो उसकी आपकी मम्मी जैसी है, बाल पापा जैसे हैं, तो वो किसकी वजह से आता है, दैट इज ऑफ द इनहेरिटेंस, हेरिडिटी बोलते हैं उसको। तो ये इनहेरिटेंस किसकी वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या कंटेन करता है, डीएनए, और इसी डीएनए की वजह से क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है कैरेक्टर का, मतलब कि कैरेक्टर क्या होते हैं, पेरेंट्स से बेबी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। नाउ न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो मैंने आपको सेल थ्योरी बताई थी तब मैंने कहा था कि हमेशा जो पुरानी सेल होती है उससे न्यू सेल डेवलप होता है, तो ये जो डेवलपमेंट होगा पुराने सेल से नए सेल जो डेवलप होंगे उसमें न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा रोल होता है, इसका सेंट्रल रोल होता है इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन, यानी कि वापस से नए सेल को बनाने के लिए। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन के अंदर एक सेल डिवाइड होगा और कितने सेल बनाएगा, दो नए सेल बनाते हैं। सच ऑर्गेनिज्म whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes। यानी कि आपको जब लास्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया था मैंने बायोडायवर्सिटी वाला, तब मैं आपको बार बार कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोकैरियोटिक बोलती थी, कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए मैं यूकैरियोटिक वर्ड यूज में लेती थी। तो प्रोकैरियोटिक में मैंने आपको बताया था, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, जिनके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी कि उनका जो न्यूक्लियर न्यूक्लियस होता है इसका एक्सोसाइटल पोर्शन वो क्या होता है, अच्छे से शेप में नहीं होता है, ठीक है, उसकी वजह से हम उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो आपको कैसे याद रखना है, प्रोकैरियोटिक कौन होता है, प्रो मींस नो, नो न्यूक्लियस, सो जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। एंड द ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट, यानी जिनके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट। नाउ द फोर्थ वन इज साइटोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा, इट इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो फ्लूइड यानी कि जो लिक्विड होता है न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा। इट ऑल्सो कंटेन मैनी सेल ऑर्गेनल्स, और ऑर्गेनल्स का मीन क्या होता है, छोटे छोटे कण। तो इस लिक्विड के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, और हर एक सेल ऑर्गेनल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है फॉर द वर्किंग ऑफ द सेल। Now in the next lecture I will discuss about the cell organelles. मैं cell organelles बताऊंगी कितना होता है। And now you have to take a screenshot of that material and note down this in your notebook. आपको ये जो मैंने अभी पढ़ाया है और जो इससे पहले एक और बोर्ड मैंने लिखा था, उन दोनों का आपको अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी करना है। थैंक यू।